तो यार नेक्स्ट मंथ से वापस से स्टार्ट होने वाला है कलर ओएस 11 का रोड मैप। सो यार ये जो रोल आउट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में दी थी। हालांकि उस टाइम हमारे पास कुछ कंजक्टिव ऐसा कहने को नहीं था कि जिससे कि मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ, इसीलिए मैंने केवल प्रिडिक्शंस किए थे। बट आज बात करेंगे पूरी तरह से फुल फॉर्मेट में एंड आपको मैं बताने वाला हूँ कि कलर ओएस 11 का जो रोड मैप है वो किस तरह से है एंड आगे किन किन महीनों में आपको किस तरह से अपडेट्स ग्रैब होने वाले हैं। सो इस वाले वीडियो को पूरा देखना एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाई टबीज़, दिस इज उत्कर्ष एंड बेसिकली आरएम अपडेट हमेशा से ही कलर ओएस 11 को कवर करते आ रहा है एंड इसी की पोस्ट है जिस पर मैं पूरी तरह से बिलीव एंड ट्रस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कलर ओएस 11 के ट्रायल अपडेट की, सो ये जो रोड मैप है ये स्टार्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले, यानी कि जब भी कलर ओएस 11 स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमने देखा कि ओप्पो फाइंड X2 सीरीज़ के साथ में ये अपडेट आया था एंड फिर उसके बाद F17 सीरीज़, फिर F11 सीरीज़ इस तरह से रोल आउट होना स्टार्ट हुआ। अगर बात करूँ ट्रायल वर्जन की, तो यार बेसिक ट्रायल वर्जन जो है ना वो कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं था कि ट्रायल वर्जन किस स्मार्टफोन को कभी आने वाला है, केवल वहाँ पर मंथ्स मेंशन थे एंड इसी तरह से हम मंथ्स थोड़ा प्रिडिक्ट कर रहे थे शुरू से लेकर अभी तक। अगर मैं बात करूँ बीटा रोड मैप की, तो यार फाइंड एक्स टू प्रो एंड फाइंड एक्स टू लेम्बॉर्गिनी एडिशन ये सारे स्मार्टफोन्स 14 सितंबर के बाद से इस अपडेट को ग्रैप कर चुके हैं। बीटा के साथ साथ इनमें स्टेबल भी आ चुका है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ बीटा अपडेट की, तो यार 30th of September के बाद से आपको रीनो 3 प्रो 4G एडिशन एंड F17 प्रो स्मार्टफोन पे ये अपडेट का रोल आउट स्टार्ट होते हुए दिख गया था, जो कि था बीटा अपडेट का रोल आउट एंड इनमें से भी F17 प्रो एंड रीनो 3 प्रो 4G एडिशन अभी भी स्टेबल अपडेट पर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अक्टूबर की, तो यार अक्टूबर में जब ये अपडेट रोल आउट स्टार्ट हुआ, सो बीटा अपडेट सबसे पहले आपको देखने मिला ओप्पो रेनो 4 प्रो 5G एडिशन में एंड 5G एडिशन वाला ये जो स्मार्टफोन है ये करेंटली रन कर रहा है स्टेबल अपडेट पर, सो इसको स्टेबल अपडेट भी मिल चुका है। अब बात करते हैं फाइनली नवंबर की। सो बेसिक जो पिछला मंथ नवंबर था, बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि उनके स्मार्टफोन में अपडेट आएगा। हालांकि ओप्पो रेनो 4 5G एडिशन और ओप्पो रेनो 4 प्रो 4G एडिशन में आपको यहां पर कलर ओएस 11 का बीटा अपडेट देखने मिल गया था। वहीं पर लोग सोच रहे थे कि यार उनके वाले स्मार्टफोन्स जैसे कि ओप्पो F11 प्रो में भी अपडेट आ जाएगा एंड इसी तरह से जो अपडेट है वो बेसिकली ओप्पो रेनो 4 और 4G 4 प्रो 4G एडिशन में आया था। अगर मैं बात करूँ दिसंबर की, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स ऐसे भी थे जिसमें ये अपडेट इस मंथ में नहीं मिलना था एंड थोड़ा सा टाइम बाद मिलना था, मतलब लास्ट ऑफ दी दिसंबर में, बट फिर भी जो अपडेट है वो बेसिक दिसंबर के पहले ही दे दिया गया, मतलब दिसंबर में ही बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा कम टाइम पे। अगर मैं बात करूँ ओप्पो रेनो 4G एडिशन में, तो यार उसमें भी रिलीज़ हो चुका है एंड बेसिकली जो ओप्पो F11 एंड F11 प्रो साथ साथ में F11 प्रो का मार्वल्स एवेंजर्स लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन है, ये तीनों स्मार्टफोन भी करेंटली बीटा पर रन कर रहे हैं। इसका जो बीटा अपडेट है वो दूसरे बैच तक आ चुका है एंड इसका जो तीसरा बैच है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर मैं बात करूँ ओप्पो A92019 स्मार्टफोन की, तो ये भी बेसिक ओप्पो F11 का ग्लोबल वेरिएंट था, तो इसमें भी इसी टाइम पर ही अपडेट आ चुका था एंड टाइम के पहले आ गया था, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ जो डेट ओप्पो ने दी थी उससे 3 दिन पहले ही अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो गया एक्सीडेंटली। और अच्छी बात ये थी कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए, तो आपको मैंने पहले ये चीज़ बता दी थी एंड काफ़ी सारे लोगों को तो अपडेट मिल गया था थैंकफुली। अब मैं बात करता हूँ ओप्पो A92 A72 एंड A52 की, तो जो A52 और A72 है उसमें करेंटली स्मार्टफोन पे मिल चुका है बीटा अपडेट और ये रन कर रहा है ऑन स्टेबल अपडेट करेंटली। दिसंबर में ही बीटा अपडेट सेकेंड फेज एंड जो स्टेबल अपडेट है वो भी बेसिकली इसी मंथ में आने का था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे डिले क्यों हो गया था, इसका मैं आगे आपको डेट बताता हूँ कि इसका थर्ड बैच आपको कब तक देखने मिलेगा एंड स्टेबल अपडेट कब तक देखने मिलेगा और क्यों डिले हो गया। A92 स्मार्टफोन में भी इसी मंथ अपडेट आना है, अभी तक नहीं आया है, देखते कब तक आता है। अगर आएगा तो मैं आपको श्योरली बता दूँ, अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो इतने जो अपडेट्स थे वो बेसिकली हमें दिसंबर तक देखने मिल गए हैं और कुछ दिसंबर में ही मिलना है जिसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। बट फाइनली अब बात करते हैं Q1 2021 की, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक के मंथ्स की।
इन मंथ्स में हमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में अपडेट देखने मिलने वाला है एंड आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन्स जो हैं जो रह गए थे अभी तक अपडेट से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा फेमस स्मार्टफोन्स है, कुछ कुछ सब बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ओप्पो रेनो 10X जूम काफ़ी ज़्यादा बिका भी था। इस वाले स्मार्टफोन में ये वाला अपडेट जनवरी के ही मंथ में आएगा, अभी मंथ का वीक नहीं पता है बट मेरे हिसाब से फोर्थ वीक तक अपडेट आ जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ओप्पो रेनो 2 सीरीज़ की, तो यहाँ पर आपको तीन स्मार्टफोन्स देखने मिल जाते हैं जिसमें है ओप्पो रेनो 2, ओप्पो रेनो 2 एफ एंड रेनो 2 जी। ये तीनों स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है एंड रेनो 10X जूम से भी ज़्यादा बिके थे रेनो 2 एफ और 2 जी। दोनों ये स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपडेट को ग्रैप करेंगे एंड मार्च तक के तो टाइम नहीं लेंगे लेकिन फरवरी के सेकेंड वीक तक इनमें भी अपडेट आ सकता है। खासकर ओप्पो रेनो 2 एफ और 2 जी में आपको फरवरी के सेकेंड वीक तक अपडेट देखने मिल जाएगा एंड जो ओप्पो रेनो 2 स्मार्टफोन है इसका मुझे लगता है कि आपको फरवरी के एंड तक ही अपडेट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनली रेनो 3 प्रो 5G की, तो यार ये वाला स्मार्टफोन अभी रह गया था, रेनो 3 5G को भी मिल गया, रेनो 4 प्रो 5G को भी मिल गया। सो रेनो 3 प्रो 5G स्मार्टफोन जनवरी में ही अपडेट को ग्रैप करने के लिए है, बिल्कुल से एकदम केपेबल क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। सो इसमें आपको जो है जनवरी में ही अपडेट देखने मिल जाएगा लास्ट वीक तक। ओप्पो A91 और F15 काफ़ी ज़्यादा मतलब बिके हुए स्मार्टफोन्स हैं एंड F15 तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में। सो दोनों ही जो स्मार्टफोन है ये अपडेट को जो है फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक ग्रैप करेंगे। F15 का मुझे लगता है कि मार्च के सेकेंड वीक तक भी अपडेट जा सकता है, बाकी A91 फर्स्ट वीक तक अपडेट को ग्रैप कर ही लेगा होपफुली। अब बात करते हैं फाइनली क्वार्टर 2 की, तो यार ये लास्ट अपडेट होगा बीटा वर्जन का जिसमें कि आपको ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो जी स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन देखने मिल जाते हैं जो बहुत पुराने हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो है क्वार्टर 2 के सेकेंड मंथ तक अपडेट आने के चांस हैं, यानी कि मई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक मान लो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ओप्पो A9 एंड A5 2020 की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी स्मार्टफोन्स है, मतलब ये वाले स्मार्टफोन अभी तक के ओप्पो के हाईएस्ट सेलिंग थे 2019 में, तो ये वाले स्मार्टफोन में बेसिकली आपको जो अपडेट है वो देखने मिल जाएगा, मतलब अराउंड ये कह सकते हो कि क्वार्टर 1 के फर्स्ट मंथ में ही या फर्स्ट मंथ के एंड में, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक के बीच बीच में अपडेट आ जाएगा। ये जो टाइमलाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा। अगर मैं बात करूँ स्टेबल अपडेट की, तो यार स्टेबल अपडेट जो है ना वो मोस्टली चांस है कि सारे स्मार्टफोन्स में एक साथ आए, जैसे कि ओप्पो रेनो 2 सीरीज़ में एक साथ आ जाएगा, फिर ओप्पो रेनो 10X में और रेनो 3 प्रो 5G में एक साथ आएगा, A91 F15 हमेशा से अपडेट साथ में ग्रैप करते हो तो इसमें एक साथ आएगा, रेनो और रेनो जी में भी एक साथ आएगा एंड A5 A9 2020 में भी एक आध दो दिन के गैप से यानी कि ऑलमोस्ट एक साथ ही आएगा। सो इस तरह से अपडेट का जो है स्टेबल वर्जन रहने वाला है। यूरोप में भी कुछ इसी तरह का रोड मैप है जैसे कि आप समझ सकते हो, मतलब आपको लिंक दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हो अगर आप यूरोप से हो तो। मेरी ऑडियंस यूरोप से है नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बताना पा रहा। वहीं पर अगर बात करूँ चाइना की, तो यहाँ पर चाइना में सारे ही स्मार्टफोन्स के अपडेट रिलीज़ हो चुके हैं, मोस्टली के सीरीज़, रेनो सीरीज़ और रेनो 3 सीरीज़ और एस स्मार्टफोन्स रह गए हैं, बाकी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन। बाकी चाइना से तो कोई देख ही नहीं सकता क्योंकि चाइना में जो है यूट्यूब चलता नहीं है, तो यार मैं क्या ही करूँगा बता के, बट हाँ यही है इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। एंड जो अपडेट डिले की जहाँ तक बात है, तो यार वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अपडेट अभी तक आ नहीं पाया है A92 के रिलेटेड, तो बस यही स्मार्टफोन था जिसमें डिले हुआ है, बाकी सारे में तो जल्दी जल्दी आ रहा है, तो यार होपफुली क्वार्टर 1 में भी आपको अपडेट बहुत ज़्यादा जल्दी देखने मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर इन दी कमेंट्स एंड दैट इज़ इट। और बाकी आगे भी ColorOS 11 के सारे अपडेट ट्रैकर मैं करता रहता हूँ कंपेयर, तो यार देख लेना बिल्कुल से, सब्सक्राइब कर लेना एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। काफ़ी लोगों को समझ आए कि ये बस सोशल मीडिया पर हम सिर्फ फोटो खींचने ही नहीं डाल सकते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड इट, तो ये इनको सबको पता चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत स्वीट एंड सैम्पल रिव्यू के बाद इसको एंड करते हैं। सारे लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये वाला कैसा लगा मेक श्योर टू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो।